रूपम गंधाय गंधयुक्तमे अभ्यरे सर्वदेवायां रूपो प्रतीक एकतां रूपम समर्पयामि। हाँ बोलो महत्व प्रधान हो चल तो फल वहां से उठाओ उठाकर वहां पर इसी तरह दे दो मैं तो उठाकर से आप बताओ ठीक है लो देखो दोनों हवन कर सकते हैं ना। भगवान प्रभु प्राण लोका सत्यनारायण भगवान कहते हैं राजाओं में सर्वश्रेष्ठ के कुलात्मक नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव मंदिर में जाया करता था और ब्राह्मणों को जैसे धन देकर नित्य संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदिश प्रमुख द्वारी कहते हैं कि सत्यदेव जी के माया से चंद्रकेतु राजा तथा उन दोनों बनिया का जो ऐसे कुछ भी वचन नहीं सुना और उनका जो भी धन था वह सब ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर स्त्री लोग बड़े दुखित हो गए। चोरों ने पूरा घर का धन चुरा लिया। अधिक व्याधि से पीड़ित भूख और प्यास से अन्न की चिंता से जैसे लीलावती घर घर घूमने लगी और भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा तथा सुनकर ही मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर जल को पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए कुछ रात बीतने पर घर गए। तब उसकी माता जो है अपनी पुत्री को बहुत धिक्कारने लगी, डांटने लगी कि हे पुत्री तू इतनी रात तक कहां थी, तेरे मन में क्या है। तब माता से सत वचन बोली कि हे माते मनोरथ को जैसे परिपूर्ण करने वाला मैंने श्री सत्यनारायण के व्रत आज ब्राह्मण के घर। तब लीलावती जैसे कालावती कन्या का वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत करने के लिए प्रसन्नचित हुई और साधु व्रत साधु की पत्नी अपनी कन्या सहित बंधु बंधुओं को बुलाया विधि सत्यनारायण के व्रत को किया और उसने सत्यदेव भगवान से अर्चना को मांगी कि हे सत्यदेव हमारे पति और दामाद जो है तो जल्द से जल्द धरा में मेरे पति और दामाद का पाप का क्षमा करने योग्य है अगर क्षमा कीजिए। इसे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट होकर चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाई कि हे राजन कल तुम सवेरे ही सज्जन दोनों पानियों को छोड़ देना और जो भी तूने उनका धन लिया वह सब दे देना, नहीं तो तेरे धन और पुत्र राज सहित हम नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु की मां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्प्रातः काल के समय में सभा उपस्थित मंत्री जन से रात्रि का स्वप्न सुनाकर कहा और बंधे हुए पानियों को सिख छोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर दूत लोगों ने पानियों को बंधन से छुड़ाकर लेकर आए और विनयुक्त वचन बोले कि हे महाराज हमने जो इन दोनों बंधियों को तो बंधन से छुड़ा कर लेकर आए, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्ण वृत्तांत का स्मरण करते हुए साधु और दामाद ने कुछ भी न कहा। वाणिज्य पुत्र को देखकर राजा जैसे अति आदर वचन बोला कि भागवंश तुम दोनों को तो बहुत बड़ा दुख मिला है, अब आप लोग जो है भय मत करना मत डरना। इस प्रकार कहकर हाथ और पैर की हथकड़ी लगवा दी, स्वर्ण धर्म करवाया, बाल दाढ़ी बनवाया और फिर जितना धन और वस्त्र लिया था उसे दुगना धन देकर तो बनियों को जैसे और बंदी खाने में बंद करवा दिया। इसी स्कंद पुराण ने देवा अपनी स्तुति को अध्याय समाप्त प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।
बोले कि साधु को जब मंगल चार पूर्वक पूजन करके वह जब ब्राह्मणों को जब धन देकर निज नगर को चले तो कुछ दूर के बाद जाने के बाद सत्यदेव भगवान जो थे बस बनिया की मन की बात जानने के लिए पिता की तुम्हारी नौ के लिए तुम लोग कन्या के लिए योग वर खोज कर लेके आओ और साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में चले गए। उस कलकत्ता नगर से घुमाने यदि कोई उपाय जानते हैं तो मुझे पूर्ण रूप से आप कहिए। तब विधि ब्राह्मण ने तब बोले कि जिससे मनोरथ को तुम सिद्ध करने वाला उत्तम सत्यनारायण के व्रत को करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुख को देख समझाते हैं। और विधि ब्राह्मण स्वरूपी सत्यनारायण भगवान ने उस व्रत के विधान को बताकर वहां से निरंतर ध्यान हो गया। तब वह ब्राह्मण सतानंद था मन में सत्यनारायण के व्रत को मैं अवश्य करूंगा। और इस चिंता में जिस ब्राह्मण को रात भर नींद न आई और वह प्रातः जब उठकर निश्चय किया कि आज ही सत्यनारायण के व्रत को मैं अवश्य करूंगा। और यह संकल्प करके जब वह भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन अधिक द्रव्य मिला, अधिक पैसा मिला और उस द्रव्य से अपने भाई बंधुओं को बुलाकर सत्यनारायण के व्रत को किया और वह व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सब संपत्ति से हो गया। और वह सतानंद नगर भर में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी जो ब्राह्मण जैसे हरि शांति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होता है और इस व्रत को मनुष्य किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण का पूजन करें और अपने भाई बंधुओं के साथ धर्म से युक्त होकर सवा शेर का उत्तम नैवेद्य का भोग लगाएं। केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण और गेहूं का चूर्ण और तो चावल का चूर्ण, खड़ग अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से सत्यनारायण का नैवेद्य का भोग लगावे और कथा सुनकर जिसे ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाता रात्रि में नित की दादी करे जितने भी सब श्रोता गण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए नाम लेते हुए अपने अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनवांछित फल मिलता है और कली काल में प्रीति इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिसने इस व्रत को पहले किया हुआ कथा सुनो। काशीपुरी में सतानंद नामक एक ब्राह्मण था। वह भिक्षा और प्यास से दुखित वाली प्रीति पर भिक्षा मांगने को घुमा करता था। तब ब्राह्मण प्रेमी भगवान जो थे वह और इस प्रकार साधु सीता के घर में नित भरने लगी और एक दिन धनग्राम ओम मंगलाय नमः तं मंगलाय स्वाहा। ओम बुधाय नमः तं बुधाय स्वाहा। ओम किरष्पदाय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः तं शुक्राय स्वाहा। ओम शनये नमः तं शनये स्वाहा। ओम रागेश्वर नमः तं रागेश्वर नमः स्वाहा। ओम केन्द्रत्वाय नमः तं केन्द्रत्वेन स्वाहा। ओम वरुणाय नमः तं वरुणाय स्वाहा। ओम वाष्पपत्रे नमः वाष्पपत्रे नमः स्वाहा। ओम वायुपाल देवता ध्रुव नमः स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपते नमः क्षेत्राधिपते स्वाहा। ओम इंद्राजायुपाल देवता ध्रुव नमः सूर्यं स्वाहा। ओम ग्राम देवता ध्रुव नमः सूर्यं स्वाहा। ओम पूज्य देवता ध्रुव नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवता ध्रुव नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता भ्यो नमः देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवो भ्यो नमः सर्वे देवो भ्यो नमः स्वाहा। जल विराजु पड़ा था ओम इमाम प्राण देवो शांत शांति शांति देव सर्व शांति शांति भवतु। ओम भूर भूर अस्व सत्यम तुम भागो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा
नमामि दुर्गे भजामि काली नमामि दुर्गे भजामि काली लक्ष्मी लक्ष्मी सदा जपो चढ़े बोले गरुड़ चढ़े भगवान मैया कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया कहे रोई मन पुष्पांजलि जलम समर्पण पर सब ले ली ना यजमान रहे अनधन से परिपूर्ण रखे विघ्न बाधा से हम सभी परिवार को दूर रखे और इस पूजन में जो भी देवी देवता आवाहन थे वह सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और पुनः कार्य में आवाहन करने पर आने का कष्ट करेंगे। हरे ओम अषाढ़ शुक्ल पक्षे बुधवासरे स्वाति नक्षत्र अंतर्गत दसवीं तिथव शुभ संवत्सरे 2080 सुविश्वी सन 2023 अंतर्गत अपना नाम और गोत्र बनो हम जन्म अपना नाम और गोत्र अमुक नाम अमुक गोत्र उत्पन्न हम मम काय वाची मानसी ज्ञात अज्ञात धन दान प्राप्तार्थे सम मनोकामना सिद्धार्थे शरीर आरोग्य कामनाया बल पुष्टि प्रीति शांति लाभार्थे सूची स्मृति फल प्राप्तार्थे जन्म उत्सव अंतर्गत गणेश पूजन पहले पूजन नवग्रह पूजन समाप्तिका पूजन तदुपरांता श्री सत्यनारायण व्रत तथा पूजन हमन पूर्णवती संकल्पम मम करिष्यामि। चलो इसको रखना है हम रख देते हैं हम रख दे दीजिए थोड़ा सा आप पकड़िए ना उसको उसको बीच में डालो ना उसको बैठा धरा दीजिए उसको बैठा बैठा चलिए इधर दीजिए उसको ये थाली वाला दोनों झाड़ करना भाग में गिरा दीजिए उसको हम डाल देते लाल लाल थाली लाल छोड़ दो तुम इसको ला एक दाना है हो गया एक दाना नहीं चलता दर्द नहीं लगो बेटा डालो अच्छा से हां बस थोड़ा सा डालो ना तो उस टाइम पर करेगा चले चलो इस तरह से सुन था देखो तौलिया बचा के तुम ले लो हम काय वाची मानसी ज्ञात अज्ञात धन दान प्राप्तार्थे सम मनोकामना सिद्धार्थे शरीर आरोग्य कामनाया बल पुष्टि प्रीति शांति लाभार्थे सूची स्मृति फल प्राप्तार्थे जन्म उत्सव अंतर्गत गणेश पूजन पहले चलिए इधर से जो इसको
ये थाली वाला दोनों झाड़ के अपना भाग में गिरा दीजिए उसको। हम डाल लंबा थाली रख छोड़ दो तुम इसको ला। लो लो ये गिरा नारियल के ऊपर। ओम सप्त गीत धारा आया है समझ में। हम खा लेगा फिर उसको थाली का सब काट करो उसमें। हाँ कर दिए रखो इसको उधर ले जाओ। इसमें अच्छा फूल डालिए पैसा डालिए। एक दाना है हो गया एक दाना भी चलता है। लोटा से डालो और दोनों थाली में उसमें ही डालो। वो लोटा तो भी दे दो इसको जर के नहीं डालो बेटा डालो अच्छा से। हाँ बस 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 माँ अभी छीट दीजिएगा चारों तरफ छीट दो। अब ये छीट दीजिएगा कि बाद में लैट्रिन बाथरूम छोड़ के तन का। ओम जय जगदीश।
क्या
हटो तो सब अब हो गया जाओ।